तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पंखे का कंडेंसर आप किस तरह से सेट कर सकते हैं और इसका किस तरह का सेटिंग होता है और इसका कनेक्शन किस तरह से आप कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ढूंढते ढूंढते हमको एक तो मिल चुका है पंखा जिसका कंडेंसर नहीं है, मतलब ये पंखा का कंडेंसर पहले ही खो गया था कहीं पे, और फिर हमको ढूंढते ढूंढते एक तो कंडेंसर मिल चुका है। देख सकते हैं ये वाला कंडेंसर है। सबसे पहले हमको ये पता नहीं है कि कंडेंसर ठीक है कि ख़राब है, तो सबसे पहले हम कंडेंसर को चेक करेंगे। कंडेंसर चेक आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको कंडेंसर को कुछ इस प्रकार से बोर्ड में घुसाना पड़ेगा। आपको दोनों तार को कुछ इस प्रकार से सटाना पड़ेगा, कंडेंसर को शॉर्ट कराना पड़ेगा, फिर आप दोनों तार को इस तरह से टच कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंडेंसर का पावर किस तरह से है और इसका पावर कम है या फिर ज़्यादा है, सारा कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा, मतलब कंडेंसर ठीक है कि नहीं है। तो दोस्तों, कंडेंसर चेक करते समय आपको एक बात ध्यान देना है कि इसका तार आपके हाथ में ना सटे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करंट लग सकता है, इसका झटका बहुत तेज़ होता है। तो इस तरह का आप गलती मत करिएगा, तार के कुछ इस प्रकार से पकड़िएगा और आराम से लगा के इसको चेक कर सकते हैं, जिससे आपका कंडेंसर पता चल जाएगा कंडेंसर सही है कि नहीं है। हमको भी आइडिया नहीं था, देख सकते कंडेंसर किस तरह से इधर से गड्ढा हो गया है और इसका सारा जो लिखा हुआ है सारा कुछ मिट गया है। तो इस प्रकार से कंडेंसर है, छोटा वाला कंडेंसर है। तो इसको अभी हम पंखे में सेटिंग करते हैं और सेटिंग का कनेक्शन किस तरह से वो भी हम आपको बताने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पंखे का सारा तार को देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं, ये एक तो धागा बंधा हुआ है यहाँ पे, शायद इसी से कंडेंसर बांधा गया था, क्या हुआ पता नहीं। तो सबसे पहले हम कंडेंसर को यहाँ पे लगाने वाले हैं कंडेंसर की जगह पे। तो कुछ इस प्रकार से हमने लगा लिया है। अब ये देख सकते हैं रेड वाला वायर सबसे ऊपर में लगाया हुआ है और ये वाला ग्रीन वाला, ये ग्रीन नहीं ये ब्लू वाला है, ये नीचे में लगाया गया है। तो फैन का कनेक्शन करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, इसका जो रेड वाला वायर है, जो रेड वाला वायर है इसको आपको खुला छोड़ना है, मतलब कि इसमें आपको कनेक्शन नहीं करना है, रेड को सिर्फ रेड में जोड़ना है। कुछ इस प्रकार से हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं ये वाला जो दो वायर है ये आपको करंट में लगाना होता है जिससे पंखा चलता है, और ये जो तीन वायर निकला है ये डायरेक्ट पंखे के कोयल से निकला है, और ये दोनों वायर आप देख सकते हैं ये कंडेंसर का वायर है। तो आप इसको किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड को रेड के ऊपर में कुछ यहाँ से लगाना होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं। फिर आपको क्या करना है, रेड को छोड़ के बाकी दोनों में कंडेंसर को कुछ इस प्रकार से जोड़ लेना है, क्योंकि रेड में कंडेंसर नहीं लगता है और वो मेन होता है, जिस वजह से वहाँ पे कंडेंसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अभी इन दोनों को यहाँ पे जोड़ना होता है जिससे हमारा पंखा चलने लगता है। तो सबसे पहले हम इसको अंदर की साइड में सेटिंग करते हैं इसको ड्राइवर की मदद से, फिर हमको हम आपको चला के बताते हैं। तो ये वाला जो ब्लैक वायर है ये एकदम नीचे में जाएगा, और जो ये है ये जो येलो कलर का है ये बीच में रहता है। तो इस यहाँ से कोई भी वायर नहीं निकलेगा, सिर्फ रेड और मतलब ये जो काला वाला है वही निकलेगा। तो यहाँ पर ब्लू दिया है, कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सेटिंग हमने कर दिया है। कंडेंसर आपको नीचे के दो तारों में लगाना है, एक नीले में या फिर नीले या फिर काला भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे येलो की जगह पे कोई और भी कलर हो सकता है, लेकिन रेड आपका मेन है, इसमें आपका कंडेंसर का कनेक्शन नहीं करना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि पंखा चलता है कि नहीं चलता है। तो सबसे पहले नट को सारा कस लेंगे जिससे आसानी हो हमें। तो दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इसको आराम से नट को पूरा कस लेना है, जिससे मतलब तार निकले ना और शॉर्ट वगैरह ना हो, तो ऐसे आपको करना है। या फिर आपको यहाँ पे ब्लैक टेप का यहाँ पे जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नट नहीं है, तो नट नहीं है तो ऐसे आप नहीं छोड़ सकते इसको, ये किसी भी हाल में पंखे में सट सकता है या फिर दूसरे तार में सट सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें ब्लैक टेप या कुछ भी लगा देना है जिससे आपका शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड में धकल देते हैं, फिर बाद में इसको ब्लैक टेप की मदद से चिपका देंगे, क्योंकि इसमें अभी अभी के लिए इसमें नट नहीं है।
इस धागे को खोल देंगे दोस्तों, ये क्या काम का है पता नहीं। तो अभी के लिए सर धागे को रहने देते हैं, इसी से हम लटका के पंखे को चलाने वाले हैं। तो अभी पंखे को चला के दिखाते हैं किस तरह से पंखा हमारा चलता है कि नहीं चलता है। तो दोस्तों ये वाला तार है और इसको हम बोर्ड में लगाने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो स्विच को बंद कर देते हैं पहले और बोर्ड में घुसाते कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम स्विच देने वाले हैं। तो स्विच देते ही पंखा घूमने लगेगा। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत सीन हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। तो पंखा हमारा उल्टा दिशा में घूमने लगा है। तो इस हालत में आप क्या कर सकते हैं, इस हालत में आप वायर को चेंज कर सकते हैं जिससे आपका पंखा सीधे दिशा में घूरे। वो भी हम आपको बताते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बंद कर लेंगे अभी। तो पंखा उल्टा तरफ से घूम रहा था जिस वजह से हमको थोड़ा दिक्कत है, मतलब हमको तार को चेंज करना पड़ेगा, तार को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं पंखा हमारा अभी सीधा घूमने लगा है, क्योंकि वो तारों को हमको हमने उल्टा लगा दिया था। अब तार को सीधे लगाने से आपका पंखा सीधा ही घूमेगा और उल्टा लगाने से आपका पंखा उल्टा ही घूमेगा। तो जिस प्रकार से अभी देख सकते हैं पंखा हमारा सीधा घूम रहा है, तो अभी इसको हम बंद करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, और कंडेंसर का जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से करते हैं शायद वो भी आपने सीख ही लिया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारे ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के न्यू वीडियो लाते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।